हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल झटपट होम फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल की कढ़ाई। क्या हम माश की दाल की कढ़ाई कैसे बना सकते हैं, इसको हम ढाबे वाली दाल भी कह सकते हैं कि ढाबे में कैसी दाल बनती है, मंजन की दाल कैसे बनती है। अच्छा जी, ये हमने लिए 500 ग्राम माश की दाल, आधा किलो मीन्स, और इसको हमने भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इसको जो है वो गलने रख देंगे अपनी पतीली के अंदर। अच्छा, हमने भिगोई इसलिए है ये कि 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो आप लोगों ने भी 15 से 20 मिनट के लिए उसको भिगोना है, देन फिर हम इसको चढ़ाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी पतीली ले ली है, इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। ठीक है जी, हमने इसका पानी निकाल लिया था, हम उसको ऐड कर रहे हैं अपनी पतीली के अंदर। ये हमने डाल दी इसके अंदर दाल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ लहसुन, अच्छा जी हमने इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर अपनी डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जो है 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारी दाल जो है वो गल जाए। अच्छा जी व्यूअर्स, ये हमारे पास जो है वो 8 टमाटर हैं, इसको हमने कट कर लिया है, और अब हम इसको रख देंगे अपनी कढ़ाई में गलने। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो कढ़ाई है वो हो गई है गर्म। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे ये हमारे पास हो गया है तकरीबन 1 कप ऑफ ऑयल। इसके अंदर हम जो है ये जो हमने टमाटर काटे थे, ये हम सारे ऐड कर देंगे। और रख देंगे इसको गलने, ताकि ये गल जाए। चलिए आप लोग, थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाए। ठीक है जी, एक तरफ हमारी ये हो रही है और दूसरी तरफ हमारी जो है दाल हो रही है। दाल के अंदर हमने अदरक भी काट के डाल दी है, उसको हल्का सा ढक्कन खोलेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बाहर ना आए। और ये हमारे पास टमाटर हो रहे हैं, इसको हम रख देंगे। ठीक है जी, ये देखिए व्यूअर्स, हमने मसाले निकाल लिए हैं। इसमें हमने 1 टीस्पून पिसे हुए लाल मिर्च ली हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। गरम मसाला होममेड पिसा हुआ मैंने आपको जो है अपनी वीडियोस के अंदर बताया है, आप लोग वहाँ से भी करके देख सकते हैं। और ये मैंने लिए है पिसी हुई काली मिर्च है, ये तो नॉर्मली काली मिर्च लें और ग्लेंडर में पीस लें। ये मैंने ली है आधी चमची, और आधी चमची जो है मैंने चाट का मसाला लिया है। आप चाहे तो ये ऐड करें और ना ही चाहे तो नहीं ऐड करें, लेकिन अगर आपके पास है चाट का मसाला, भले बाजारी हो या घर का हो, तो उससे टेस्ट और अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और ये हमने जो है नमक लिया है 1 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट हमने लिया है, या आप लोग जो है अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारा मसाला जो मैंने आपको बताया है, ये हम जो है जब हमारे टमाटर जो है वो गल जाएंगे तब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। कोई प्याज व्याज कुछ भी नहीं गलेगी इसके अंदर, सिर्फ टमाटर और मसाले से जो है हमारी
माश की दाल की कढ़ाई हो जाएगी रेडी। इसको हम मंजन की दाल भी कहते हैं और जो रेस्टोरेंट में दाल बनती है उनके भी यही रेसिपी होती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे टमाटर जो है वो गल रहे हैं, टमाटरों ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अभी और गलेंगे, जब अच्छे से गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर इसका पहले पानी पुश करेंगे। पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है, फिर हमने मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखें काफ़ी हद तक हमारे टमाटर जो है वो गल चुके हैं, लेकिन अभी ये सही से रहेंगे, ये और होंगे। ये दाल आप देख सकते हैं ये हो गई है हमारी, हल्का सा हमने इसके अंदर पानी डाला जब तक हमारे टमाटर हो रहे हैं। देखें ये गल चुकी है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें आप लोग, हमारे टमाटर जो है वो गल हो चुके हैं। अब हम जो है इसके अंदर अपने जो मसाले थे ये मसाले ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, हमने इसके अंदर चम्मच जो है वो अच्छे से चला देना है ताकि हमारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर अपनी दाल जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब आप लोग अपनी दाल को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखना, दाल नज़र आ रही है लोगों को, साफ सुथरा वो, ये देखें। तो आप अच्छे से मिक्स कर लें, ये मिक्स हो चुकी है। अच्छा जी, दाल जो है वो हमारी हो चुकी है रेडी। बस अब हम इसके अंदर अब क्या करेंगे कि अब हमें इसके अंदर ये करना है कि हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला हम ऊपर से छिड़केंगे और देन थोड़ा सा हम ऑयल का इसके ऊपर भगाड़ लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसके अंदर चार हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और ये पिसा हुआ गरम मसाला, तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया है, आप लोग वहाँ से देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, गरम मसाला भी डाल दिया है। ये दूसरी तरफ जो है हमारा तेल गरम हो रहा है, ये मैंने जो है 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको हम ऊपर से भगाड़ लगा देंगे अपनी माश की कढ़ाई में। ये देखिए हमारा तेल जो है वह गर्म हो गया है और हम उसके अंदर लगाने जा रहे हैं भगाड़ ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गई है हमारी मज़ेदार सी माश की दाल की कढ़ाई रेडी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे आप लोग कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी झटपट। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और ऐसे इंजॉय कीजिए नए नए खाने मज़ेदार से। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग और मेरी डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।